हार्दिक की कप्तानी में टीम इंडिया की जीत। कप्तानी पर बोले कुंगफू पांड्या, इस खिलाड़ी को दिया कप्तानी का श्रेय। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी घरेलू सीरीज को जीत लिया है। बता दें कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2-1 से जीत हासिल की और इस सीरीज में जीत के साथ ही टीम इंडिया ने साल 2023 की शुरुआत भी जीत के साथ कर दी है। अपने घर पर कुंगफू पांड्या यानी कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली बार सीरीज खेली और पहली बार में ही जीत हासिल कर ली। तीसरे मुकाबले में, निर्णायक मुकाबले में, भारत ने श्रीलंका को 91 रनों से मात देते हुए इस सीरीज को अपने नाम किया। बता दें कि इसके बाद से ही लगातार हार्दिक पांड्या की लीडरशिप उनकी कप्तानी चर्चा में आ गई है। दरअसल बता दें कि हार्दिक पांडे को भविष्य का कप्तान देखा जा रहा है। लगातार ये चर्चा तेज हो चुकी है कि रोहित शर्मा को हटा करके हार्दिक पांडे को ही T20 टीम का कप्तान बनाया जाएगा और वही अब टीम के परमानेंट कप्तान होंगे। हालांकि इस पर अभी तक BCCI की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बहरहाल इन चर्चाओं के बीच हार्दिक पांडे ने भी अपनी कप्तानी पर बातचीत रखी है और उन्होंने अपनी कप्तानी का श्रेय एक पूर्व खिलाड़ी को दिया है। किस पूर्व खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आशीष नेहरा की। दरअसल बता दें कि कुंगफू पांड्या हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी का श्रेय MS धोनी को नहीं बल्कि पूर्व खिलाड़ी और उनके IPL टीम के कोच आशीष नेहरा को दिया है। दरअसल भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ जैसे ही जीत हासिल की इसके बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पांड्या से उनकी कप्तानी को लेकर सवाल किया गया। तब उन्होंने अपनी IPL की टीम यानी कि गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा को इसका श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि उनकी लीडरशिप में यानी कि आशीष नेहरा की लीडरशिप में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। आशीष नेहरा ने उनके जीवन में काफ़ी बदलाव किया है और हम दोनों क्रिकेट के बारे में एक जैसा ही सोचते हैं और मुझे खुशी है कि उनके साथ की वजह से मैंने कप्तानी में बेहतर किया है। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ था इसलिए मेरी कप्तानी में काफ़ी मदद मिली। मैं चीज़ों को समझ रहा था, मुझे बैकअप की ज़रूरत थी। आशीष नेहरा ने मेरे साथ वही किया और उन्होंने मेरा साथ दिया। साल 2021 T20 विश्व कप में चोटिल होने के बाद हार्दिक पांड्या लंबे समय तक मैदान से दूर रही, लेकिन इसके बाद IPL 2022 में उन्होंने वापसी की। एक नई टीम की कप्तानी उन्हें दी गई जिसका नाम गुजरात टाइटंस रहा। इसके बाद उन्होंने डेब्यू कप्तान के तौर पर डेब्यू टीम को ही विजयी बना दिया। इसके अलावा आशीष नेहरा भी पहली बार किसी टीम की कोचिंग कर रहे थे और उन्होंने भी टीम को चैंपियन बनाने में एक खास मदद की। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को फाइनल मुकाबले में हराया और अब हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। उनकी कप्तानी में भी टीम इंडिया आयरलैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका जैसी तमाम टीमों को हरा रही है। आपकी जो कुछ राय है हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।